लाइव तस्वीरें उदयपुर से दिखाते हैं, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उदयपुर पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप उदयपुर से देख रहे हैं। आज लेक सिटी में है स्पीकर ओम बिरला, गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उदयपुर पहुंचे हैं। और अब ये जो समारोह है वो अब से कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि आज गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब स्पीकर ओम बिरला बातचीत करेंगे तमाम युवाओं से, स्टूडेंट से, लंबे वक्त से ये देखा गया है कि इन दीक्षांत समारोह में पॉलिटिकल लीडर्स को ज़्यादातर बुलाया जाता है, जिससे जो युवा हैं उनको सीख मिलती है कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि कई लीडर्स ऐसे हैं जिनका अगर ग्राउंड देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां पार करके इस पद पर पहुंचते हैं, तो अपनी स्टोरी साझा करते हैं, युवाओं को प्रेरणा मिलती है। और अब गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच चुके हैं। आज उदयपुर में है स्पीकर बिरला, मेवाड़ी साफा पहनाकर उनका गीतांजलि विश्वविद्यालय में जोरदार स्वागत किया गया है। स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं ओम बिरला का, और जाहिर तौर पर इस मंच से जब ओम बिरला बोलेंगे तो अपने संघर्ष की बात करेंगे, किस तरीके से जीवन में सफलता मिली, तमाम चुनौतियों को पार करके, इस पर बातचीत होगी। तो स्पीकर ओम बिरला, जब लोकसभा में सेशन नहीं होता है तो अक्सर राजस्थान के दौरे पर नजर आते हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा। लगातार स्पीकर बिरला कोटा के दौरे करते हैं, विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, और आज उदयपुर, लेक सिटी उदयपुर में गीतांजलि विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए। हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। धीरज, गीतांजलि विश्वविद्यालय पहुंच चुके हैं स्पीकर बिरला, और क्या कुछ कार्यक्रम उदयपुर के रहने वाले हैं उनके आज? जी बिल्कुल, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो है वो 3 दिवसीय उदयपुर दौरे पर है। इस दरमियान जो है दबोग एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, विधायक जो है तमन्ना जोशी उनकी अगुवाई के अंदर यहाँ पर स्वागत किया गया। वहीं भी ओम बिरला जो है वो गीतांजलि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहाँ पर वह जो है दीक्षांत समारोह के अंदर हिस्सा लेंगे। वहां पर जो प्रतिभा भवन बच्चे जो है उनको यहाँ पर वो सम्मानित करेंगे, वहीं उनको संबोधित करेंगे। वहीं पूरे दिन 1-to-1 ओम बिरला के उदयपुर के अंदर जो है वो प्रोग्राम होने जा रहे हैं। वहीं मोहनलाल छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहाँ पर मोहनलाल यूनिवर्सिटी के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं शाम को प्रबुद्धजनों की यहाँ पर जो है वो बैठक रखी गई है, और बैठक के बाद ओम बिरला जो है वो कोटा के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, तो आज सारा दिन उदयपुर लेक सिटी में ही ओम बिरला के बाद एक कार्यक्रम है। सीपी जोशी और ओम बिरला साझा करेंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये जो कार्यक्रम होगा जिसमें स्पीकर बिरला और विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी एक साथ मिलने वाले हैं, ये किस तरह का कार्यक्रम है धीरज? बिल्कुल, करीब 2:30 बजे जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर लीडरशिप कॉन्वेंट 2023 के अंदर ओम बिरला और सीपी जोशी दोनों ही यहाँ पर एक मंच के ऊपर दिखेंगे। वही देखा जाएगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वही विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी दोनों ही एक मंच पर वहां पर मौजूद रहेंगे। चलिए, शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज लेक सिटी में है पूरा दिन ओम बिरला के लेक सिटी उदयपुर में एक के बाद एक बैक टू बैक कार्यक्रम, और उसके बाद शाम को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटा के लिए ओम बिरला रवाना हो जाएंगे।